हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम फिर से एक नए चैप्टर की रीडिंग करने वाले हैं और चैप्टर का टाइटल है गुलीवर इन लिलीपुट। तो गुलीवर एक व्यक्ति का नाम है, इन मीन्स हुआ मैं, और लिलीपुट एक शहर या राज्य का नाम है। तो गुलीवर लिलीपुट में चैप्टर का नाम है। एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। आपने इस मूवी को, इस स्टोरी के ऊपर एक मूवी भी देखी होगी, तो जब स्टोरी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये कौन सी मूवी के बारे में स्टोरी लिखी गई है, या फिर इस स्टोरी से इंस्पायर होकर उस मूवी को बनाया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। आइए शुरू करते हैं इसकी रीडिंग और इसकी ट्रांसलेशन। वंस, एक बार, देयर वाज अ सेलर कॉल्ड गुलीवर। तो देयर यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आया है, यहाँ पे इसका हम मीनिंग नहीं निकालेंगे। जो ट्रांसलेशन करेंगे वो यहाँ से करेंगे। था एक सेलर, मीन्स नाविक, नाव चलाने वाला, कॉल्ड गुलीवर। कॉल्ड मीन्स कहा जाता था, गुलीवर तो उसका नाम है ये गुलीवर। एक बार एक सेलर था जिसे गुलीवर कहा जाता था। ही वेंट ऑन अ लॉन्ग वोएज विद हिज फेलो सीमैन। वह वेंट ऑन, वेंट मीन्स गया, ऑन मीन्स पर, अ लॉन्ग वोएज एक लंबी, वोएज मीन्स समुद्री यात्रा, विद हिज फेलो सीमैन, विद मीन्स के साथ अपने, फेलो मीन्स साथी, और सीमैन समुद्री व्यक्तियों। तो एक बहे एक लंबी समुद्री यात्रा पर अपने साथी समुद्री लोगों के साथ गया। वन डे, एक दिन, देयर वाज अ फियर्स स्टॉर्म एट सी। वहाँ था एक दिन, वहाँ था एक भयानक, फियर्स मीन्स भयानक, स्टॉर्म मीन्स तूफान, एट सी समुद्र में। तो एक दिन समुद्र में भयानक तूफान था, या फिर भयानक तूफान आया था। हिज शिप सैंक, उसका जहाज, सैंक मीन्स डूब गया, पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है, तो सैंक जो है वो सिंक की सेकेंड फॉर्म है। तो उसका जहाज़ डूब गया, बट लेकिन गुलीवर स्वयं टू द नियर बाई आइलैंड। लेकिन गुलीवर स्वयं मीन्स तैरा, टू द नियर बाई आइलैंड, पास ही के एक आइलैंड मीन्स समुद्री तट के किनारे पर। तो गुलीवर पास ही के एक तट की ओर तैरा। इट वाज लिलीपुट, ये था लिलीपुट, तो उसका नाम है लिलीपुट, जहाँ पे वो आइलैंड पे तैर के गया उस आइलैंड का नाम है लिलीपुट। ही वाज वेरी टायर्ड व्हेन ही रीच्ड देयर। वह था, वेरी मीन्स बहुत, टायर्ड मीन्स थका हुआ, वह बहुत थका हुआ था। व्हेन मीन्स जब, ही रीच्ड देयर जब वह पहुँचा, रीच मीन्स पहुँचा वहाँ। ही सून फेल एस्लीप, वह जल्दी ही, सून मीन्स जल्दी ही, फेल एस्लीप सो गया, वह जल्दी ही सो गया। वाइल ही वाज स्लीपिंग हंड्रेड्स ऑफ वेरी टिनी पीपल केम देयर। वाइल मीन्स के दौरान, ही वाज स्लीपिंग तो सोने, जब वह था, स्लीपिंग मीन्स सो रहा, तो उसके सोने के दौरान, वाइल मीन्स के दौरान, तो उसके सोने के दौरान या जब वह सो रहा था, हंड्रेड्स ऑफ वेरी टिनी पीपल तो सैकड़ों, वेरी टिनी पीपल मीन्स, टिनी मीन्स बहुत ज़्यादा छोटे, तो बहुत से छोटे लोग, सैकड़ों बहुत से छोटे लोग, केम मीन्स आए, देयर मीन्स वहाँ, एंड और टाइड हिम विद रोप्स, और टाइड मीन्स बांध दिया उसे, विद रोप्स रस्सियों से। तो जब वह सो रहा था तो सैकड़ों छोटे लोग वहाँ आए और उसे रस्सियों से बांध दिया। व्हेन ही वोक अप ही वाज सरप्राइज्ड टू सी सच टिनी पीपल। जब वह वोक अप मीन्स जागा, ही वाज सरप्राइज्ड वह था, सरप्राइज्ड मीन्स आश्चर्यचकित, वह आश्चर्यचकित था, टू सी देखकर, सच टिनी पीपल ऐसे, सच मीन्स ऐसे छोटे लोगों को। तो जब वह जागा तो ऐसे छोटे लोगों को देखकर आश्चर्यचकित था, बहुत चक्का था। वट, लेकिन, सून जल्दी ही, मेड फ्रेंड्स विद देम।
जल्दी ही उसे मेड फ्रेंड्स बना लिया गया दोस्त विद्यम उनके द्वारा या फिर उनके साथ। जल्दी ही उसने उन्हें दोस्त बना लिया उन लोगों को। दे अनटाइड द रोप्स एंड गेव हिम फूड। उन्होंने अनटाइड मीन्स खोल दिया द रोप्स रस्सियों को एंड गेव हिम फूड और गेव मीन्स दिया उसे फूड मीन्स भोजन और उसे भोजन दिया। देयर लोब्स ऑफ ब्रेड उनके लोब्स मीन्स टुकड़े ऑफ ब्रेड रोटियों के तो उनके रोटियों के टुकड़े वर थे सो टिनी बहुत ज़्यादा छोटे। दैट ही एट 10 लोब्स एट अ टाइम तो उसने दैट मीन्स तो उसने 8 खाए 10 लोब्स 10 टुकड़े एट अ टाइम एक ही बार में एक ही समय में। तो उनके जो रोटियों के टुकड़े थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे तो उसने एक ही बार में 10 रोटियों के टुकड़े खाए। फॉर हिज लंच अपने लंच के लिए ही एट अ 1000 लोब्स ऑफ ब्रेड उसने खाए तो ईट की सेकेंड फॉर्म है तो इसका मीनिंग होगा खाना। तो उसने खाए अ 1000 लोब्स ऑफ ब्रेड ब्रेड के हज़ारों टुकड़े लोब्स मीन्स टुकड़े तो रोटियों के हज़ारों टुकड़े उसने खाए। अ 100 कॉलीफ्लावर्स कॉलीफ्लावर्स मीन्स फूल गोभी सैकड़ों उसने फूल गोभी खाई। एंड और अ 100 शीप और 100 शीप भेड़े खाई तो उसने अपने लंच में हज़ारों रोटियों के टुकड़े 100 फूलगोभी और 100 शीप खाई। द टिनी पीपल टुक हिम टू द कि टू देयर किंग एंड क्वीन। तो जो टिनी पीपल थे छोटे लोग थे टुक मीन्स ले गए उसे टू देयर किंग अपने राजा और रानी के पास। तो जो छोटे लोग थे वो उसे अपने राजा और रानी के पास ले गए। द किंग्स हैंड वाज सो टिनी तो किंग्स मीन्स यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी लगी है इसका मतलब हुआ राजा का हाथ था सो टिनी बहुत ज़्यादा छोटा। दैट ही हैड टू यूज़ ओनली वन फिंगर टू शेक इट तो उसे हैड टू यूज़ उपयोग करना पड़ा ओनली वन फिंगर सिर्फ एक उंगली का टू शेक इट हाथ मिलाने के लिए या फिर हाथ शेक मीन्स हिलाना लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग होगा हाथ शेक करने के लिए हाथ मिलाने के लिए। तो राजा का हाथ बहुत छोटा था तो उससे एक उंगली का ही यूज़ करना पड़ा हैंड शेक करने के लिए। एवरीथिंग वाज सो स्मॉल प्रत्येक चीज़ थी सो स्मॉल बहुत ज़्यादा छोटी। दैट ही वाज लाइक अ जाइंट तो वह था लाइक मीन्स पसंद करता था अ जाइंट एक राक्षस अमोंग द टिनी पीपल ऑफ लिलीपुट। प्रत्येक चीज़ छोटी थी क्यों छोटी थी क्योंकि ही वाज लाइक अ जाइंट क्योंकि वह था लाइक अ जाइंट एक राक्षस की तरह अमोंग द टिनी पीपल छोटे लोगों के बीच में। अमोंग मीन्स के बीच में ऑफ लिलीपुट लिलीपुट के तो लिलीपुट के छोटे लोगों के बीच में वह एक राक्षस की तरह था क्योंकि उसके सामने सभी लोग छोटे थे। दीज टिनी पीपल वर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल ये छोटे लोग थे बहुत काइंड दयालु एंड हेल्पफुल और मददगार। तो ये छोटे लोग बहुत ही दयालु और मददगार थे हेल्पफुल थे। दे मेड अ बोट फॉर हिम उन्होंने बनाई अ बोट एक नाव फॉर हिम उसके लिए। इट वॉज टाइम फॉर गुलीवर टू लीव फॉर होम। इट वॉज टाइम फॉर तो समय आ गया था यही समय था या फिर समय आ गया था गुलीवर का टू लीव जाने का फॉर होम घर के लिए। ही वॉज सॉरी वह था दुखी टू लीव हिज डियर फ्रेंड्स छोड़ने के लिए अपने डियर फ्रेंड्स प्रिय दोस्तों को। वह दुखी था अपने प्रिय दोस्तों को छोड़ने को लेकर या फिर छोड़ने पर। सो ही गॉट इन टू हिज बोट तब वह गॉट इन टू मीन्स किसी चीज़ के अंदर बैठना यहाँ पे ये गॉट जो है वो गेट की सेकेंड फॉर्म है तो गेट इन टू का मतलब होता है कार में बैठना या फिर चलना
या फिर बस में, ट्रेन में, तब वहाँ पे हम गेट इनटू का यूज़ करते हैं इसीलिए। या फिर जब वह गेट इनटू बैठा, गॉट इनटू बैठा हिज बोट अपनी नाव में, एंड सेल्ड ऑफ और चलाई उसे एज द टिनी पीपल, तो जैसे ही टिनी पीपल ने, छोटे लोगों ने वेव्ड हाथ को अपने हिलाया हिम उसके लिए गुड बाय और उससे कहा गुड बाय। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी स्टोरी, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।